गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आई एम पीआर ऑटोमोबाइल्स। सो आज की इस वीडियो में हम आ चुके हैं एक और नई गाड़ी लेके। ये है बलेनो 2020 के टॉप मॉडल और इसका आज हम ऑनरशिप रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे क्या है फीचर्स, क्या है पॉजिटिव, क्या है नेगेटिव, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और जो भी भाई अगर इसको लेने जा रहे हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर देख के जाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलवाते हैं इनके ऑनर से। तो शिवम भाई स्वागत है आपका। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए जनता को। हम शिवम मिश्रा है और मैं रीवा का हूँ। गौतम भाई आपका क्या हाल चाल? बढ़िया है, आप बताओ। चलिए शुरू करते हैं, गाड़ी के डिटेल्स के बारे में जानते हैं, क्या है एक्सपीरियंस आपका इस गाड़ी को लेके। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि ये गाड़ी आपने कब ली थी और ये लगभग कितने की पड़ गई थी उस टाइम? ये मेरे को 3-4 महीने पहले मैंने ली थी और ये पड़ी थी 10,30,000 रुपए की। ओके, 10,30,000 में ये आपको गाड़ी मिल गई थी और ये इसका टॉप मॉडल है। यस। अगर ये बात करें तो आपने कितना चला चुका है इस गाड़ी को? इस गाड़ी को मैं 4,000 किलोमीटर के आसपास चला। तो आप ये गाड़ी लेने गए थे, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने यही गाड़ी क्यों चूज की? और भी बहुत सारी गाड़ियां थी इस कंपटीशन में 10 लाख की रेंज के, आपको SUV भी मिल जाती, आपने हैचबैक चूज की, तो क्या है उसके पीछे रीजन क्या है? एक्चुअली मेरे को मारुति ही पसंद थी और मारुति में ये नया मॉडल था, इसमें काफी 360 व्यू डिग्री वो काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन थे, 360 कैमरा था, HUD थी, काफी अच्छी अच्छी चीजें थी, तो मेरा यही मन हुआ और नया मॉडल भी था। कि आप बता रहे हैं ये गाड़ी आपने 4,000 किलोमीटर चला ली है, तो क्या है एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है इस गाड़ी का? बहुत बढ़िया गाड़ी, बहुत शानदार गाड़ी। लेकिन इसके पहले आप कौन सी गाड़ी ऑन करते थे? इसके पहले मैं करता था स्कोडा रैपिड और होंडा सिटी। ओके, तो उन गाड़ियों से तो काफी डिफरेंस रहा है इसका एक्सपीरियंस होगा, तो क्या लगता है पॉजिटिव एक्सपीरियंस है? पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। बात करते हैं इसके लाइटिंग की, तो नाइट में लाइट्स का थ्रो कैसा है, क्योंकि अभी नई नई मॉडल लॉन्च हुआ है? बहुत बढ़िया थ्रो है और काफी क्लीन दिखता है। देखते हैं इस गाड़ी के माइलेज की, बहुत सारे लोगों में डाउट होगा अभी भी कि कितना माइलेज ये दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी तो इसका माइलेज करीबन 18 से 21 KMPL के बीच का बताती है और इसमें आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो आप अगर इसके रियल माइलेज की बात करें तो आपको सिटी में और हाईवे में लगभग कितना मिल जाता है? मेरे को सिटी में मिल जाता है 12-12.5 का और हाईवे में 18 का मिल जाता है। तो गाड़ी वैसे देखा जाए तो हैचबैक सेगमेंट की है, और अगर इसके स्पेस वाइज की बात करते हैं तो गाड़ी में आपको स्पेस से कोई शिकायत है कि नहीं? नहीं नहीं, बढ़िया स्पेस है। तो मेरे भाई का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। अगर इसके बूट स्पेस की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बूट स्पेस, तो इसमें आपको लगभग 318 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। ये काफ़ी डाउन है, ये मुझे थोड़ा अगर भारी सामान है उसको रखने में उतारने में थोड़ी दिक्कत होने वाली, क्योंकि ये थोड़ा डीप में है ज़्यादा, तो मुझे पर्सनली ये एक निगेटिव लगता है। एंड यहाँ पर आपको इसकी स्टेपनी मिल जाती है, यानी ये बूट में आपको यहाँ पे एक लाइट भी मिल जाएगा और यहाँ टॉप मॉडल में आपको पार्सल ट्रे भी कंपनी ऑफर करती है। तो ये था इसके बूट स्पेस। तो अगर बात कर दें पुरानी वाली बलेनो और ये नए मॉडल की बलेनो में, क्योंकि थोड़े चेंजेस तो किए गए हैं, जैसे कि इसमें आपको 60 किलो तक का वजन नई वाली बलेनो में बढ़ा दिया गया है, नट है और जो गेट है वो थोड़ा और भारी कर दिया गया है। अब वो इसके पीछे डेंटिंग बेंटिंग किया गया है कि कैसे किया गया है, क्या पता अभी सेफ्टी रेटिंग आ जाए के बाद ही पता चलेगा कि इसकी रेटिंग कैसी है। तो अगर आप मुझे बताइए कि आप पुरानी वाली बलेनो और नई वाली बलेनो में क्या आपको अंतर लगता है? बिल्कुल गेट खोलने में ही फर्क दिख जाता है अपने को। पिछली बलेनो में बहुत हल्के गेट थे और इस बलेनो के गेट काफी हैवी हैं, और बोनट भी आप खोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि असल में ही बड़ा है इसका वेट। अगर गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, देखा जाए तो ये एक हैचबैक है, तो ऑफ रोडिंग वगैरह में थोड़ा दिक्कत होती होगी क्योंकि टच वच होती होगी नीचे। इसमें आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो आपको ऐसे कहीं ऐसा फील हुआ है कि इसका बहुत ज़्यादा लो है ग्राउंड क्लियरेंस और आपको कहीं गाड़ी टच हो रही है ब्रेकर्स वगैरह में, ऐसा कहीं कभी कुछ हुआ है? नहीं नहीं नहीं, यदि अच्छे से चलाते बनते तो कुछ टच नहीं होता और काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है और इनफ है, सफिशिएंट। इंटीरियर आपको दिखाऊं तो कुछ आपको पूरा ब्लैक इंटीरियर में इसका डैशबोर्ड मिलता है, यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा डिस्प्ले दे दिया गया है एंड यहाँ पे आपको HUD वाला फीचर मिल जाता है इस टॉप मॉडल में। कुछ ऐसा आपको यहाँ पे स्टीयरिंग का फीडबैक मिलता है एंड यहाँ पे आपको कुछ ऐसा एनालॉग मीटर मिल जाता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। एंड यहाँ पे आपको ये डे नाइट ऑटो IRVMs मिल जाते हैं एंड इस साइड में आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा विथ लाइट्स, एंड पैसेंजर साइड में भी आपको वैनिटी मिरर मिलता है लाइट के साथ। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी दे दिया गया है इस वाले वेरिएंट पे। तो टॉप मॉडल देखा जाए तो एक तरह से वैल्यू फॉर मनी भी कहा जा सकता है मेरे हिसाब से,
एंड इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल सीट का भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड अगर पीछे की बात करते हैं तो पीछे में आपको लगभग ऐसा कुछ इंटीरियर मिलता है। तो पीछे में हमारे भाई बैठे हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं कि लेग रूम वाइज गाड़ी में इनको पीछे कैसा फील हो रहा है। बहुत ही अच्छा लेग रूम है यहाँ पे, बहुत स्पेस है। तो इतनी भी नई वाली हैचबैक्स आ रही हैं उनमें इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि पीछे वालों के लिए लेग रूम जो है काफ़ी इनफ मिल जाता है। स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा लगता है आपको? स्टीयरिंग अच्छी है, क्योंकि आप पहले होंडा सिटी रखे थे, स्कोडा रैपिड रखे थे, उनके कंपेयर में इसका स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स कैसा है? हाँ, तो इसका स्टीयरिंग हाई स्पीड में क्या रहता है कि स्टीयरिंग थोड़ा टाइट पकड़ना पड़ता है और ऐसा लगता है कि और गाड़ी के मुकाबले बाकी है। वैसे मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और अगर किसी के मन में और भी डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।